नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे नहीं मिलोगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी मेरी जान? कॉलेज के ना सही, लेकिन कैंटीन के केयरटेकर तो हम ही हैं। नाम है हमारा एमएस। आप क्या समझे? एमएस धोनी? ना भैया ना, कहां वो और कहां हम। हमारा नाम तो है एमएस होला, यानी कि मेहनत सिंह होला। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा नाम इतना अजीब क्यों है, मेहनत सिंह होला। चलिए इसका कारण भी हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल बात यह है कि आज हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी बने उसके पीछे हमारी कड़ी मेहनत, इसलिए हमने अपना नाम रख लिया मेहनत सिंह। और रही बात होला की, होला याद है हमें कॉलेज का वो अपना पहला दिन, होली का दिन था। सब लोग झूम रहे थे, गा रहे थे,
और कह रहे थे होली है भाई होली है, होली है भाई होली है। इसी बीच किसी ने हमसे कहा कि होला जरा गुलाल देना। हम ये समझे कि हमारी भोली सूरत देखकर वो कह रहा है कि भोला जरा गुलाल देना, लेकिन वो भोला नहीं बोला, वो बोला होला। और उसने क्या बोला, आसपास के सब शुरू हो गए, होला जरा मिठाई देना, होला जरा कुर्सी देना। बस भैया होली के दिन होला नाम की ऐसी पिचकारी पड़ी हम पर कि हमारा नाम हो गया मेहना सिंह होला। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम होली की जगह लोहड़ी को आए होते तो क्या हमारा नाम होता मेहना सिंह लौड़। बताए तुमको साले कि हमारे नाम का मतलब क्या होता, देंगे कान के नीचे खींच के। आजकल के स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ना हमेशा डबल मीनिंग्स की बातें चलती हैं, पढ़े लिखे जाहिल्स। वैसे लोहड़ी का दिन होता तो हमारे तो लग गए होते, और सच बता रहे हम, फिर हमें कोई ना कहता कि माँ का लाडला बिगड़ गया, हर कोई हमसे कहता कि माँ का। खैर आज हम अपना मूड खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे प्रिंसिपल साहब यानी कि अनुराग जौहर की रिटायरमेंट पर कॉलेज रियूनियन रखी गई है, और आज तो वो पुराने गैंग वाले भी तो आएंगे। हाँ वैसे कॉलेज में बतेरे गैंग थे, लेकिन ये गैंग जरा स्पेशल थे, यारों की गैंग। 2 साल पहले पास आउट हुए, ये मार्क्स में तो नहीं लेकिन हाँ दिलों के राजा थे। चलिए आपको भी मुखातिब करवा देते, आइए। ये है पांचों की गैंग, और ये है जव्वाद, जिन्हें प्यार से सब लोग जादू कहते थे। अब आई हो तुम? मुझे हाँ जानता हूँ, फोटो खिंचवाने आई हो ना जी। आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं, आपके बाल कितने प्यारे हैं, आपके नाखून शानदार। मेरे कहने का मतलब है कि सर से पांव तक आप कमाल है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी तस्वीर के लिए आई थी, और जरा जल्दी निकाल देंगे तो मेहरबानी होगी। हाँ जी बताइए, कौन सी तस्वीर चाहिए? हम यहाँ पे बर्थडे के, मुंडन के, शादी के, डिवोर्स के, ब्रेकअप के, फ्रेंडशिप के, यहाँ तक के फेसबुक प्रोफाइल की भी फोटो खींचते हैं। मुझे बस वो शादी वाली। शादी वाला चाहिए? आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए। परफ्यूम अच्छा है आपका, कहाँ से खरीदा? अजी ये तो पहला था, अभी तो 4 चिरांदे और बाकी हैं। एक से एक चालू, एक से बढ़कर एक गोलीबाज। और हाँ गोलीगिरी में सबसे बड़े शिकारी थे हमारे आशु महाराज। यार ये समझ नहीं आता, तुम मेहनत तो इतनी करते हो लेकिन टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाते? तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में मैंने टारगेट्स के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे, रिकॉर्ड। सर वो कहते हैं ना, हम जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, या दूसरे शब्दों में कहूं हम पाना ही वो चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। अबे फिलोसोफर क्या बोल रहा है, सेल्स की भाषा बोल सेल्स की, मुझे सिर्फ प्रॉफिट की लैंग्वेज समझ आती है। सर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़िए। सर ये बताइए इंडिया में सचिन तेंदुलकर कितने हैं? एक। रजनीकांत कितने हैं? अन्ना। एक। जेम्स बॉन्ड कितने हैं? अरे भाई एक, लेकिन इसका सेल्स से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है सर, है? ताल्लुक है। देखिए सचिन तेंदुलकर एक, रजनीकांत एक, जेम्स बॉन्ड एक। वैसे ही आप भी एक ही हैं सर। मैं? हाँ मिस्टर दिवाकर बालाचंद्रन है? आपका कंपैरिजन किसी और से हो ही नहीं सकता सर, आप तो एसकेबी हैं सर। एसकेबी सेल्स के बॉन्ड। बॉन्ड सर जैसे जासूसी में जेम्स बॉन्ड, वैसे ही आप सेल्स बॉन्ड। सेल्स बॉन्ड सर। इसीलिए मेरे जैसे लोग टारगेट तक अचीव नहीं कर पाते और आप जैसे लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। अरे सर इसीलिए मैंने डिसाइड किया है अब आप ही मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि आप मेरे धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र? अबे वो तो अंधा था। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, आप गुरु द्रोणाचार्य हो और मैं आपका एकलव्य आशु। शिष्य ऐसा पहले बोलना। सुन शर्मा एंड शर्मा सन्स जानते हो ना? हाँ। वहां चले जाना, उनका एक सेल्स का असाइनमेंट है। एक काम करते हैं, वो मैं तुम्हारे अकाउंट्स में ऐड करवा दूंगा। मस्के में माहिर, काम में काहिर। अब मैं मिलवाता हूं आपको तीसरे से,
जिसका नाम था गोलू। एकदम गोलमटोल, पांव से सर तक भरभराए हुए, सूरज से एकदम मासूम और दिमाग से अव्वल दर्जे के हरा। मी ओए देखो, ओए मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो एक सुर बने हमारा। बदतमीज। बढ़िया ही बदतमीज कहने वाली। ओए बेबी किस माय एस। पिताजी का बिजनेस और गोलू निकम्मा, कभी मन करा तो ऑफिस चले गए, वरना कोई बात नहीं। और हाँ, जैसे मूलियों में ये एक गाजर है, वैसे ही कमीनों में भी एक कमीनी, मेरा मतलब लड़की थी, काव्या। चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त, और सबकी माताजी पिताजी कर देने वाली। बिल्कुल तीखी मिर्च। भैया जी लेडी सीट है, ये आप खाली कर दीजिए, मुझे बैठना है। हेलो मैडम जी, मेरे पापा तो नहीं गए थे तुम्हारे घर पे, तो फिर हम तुम्हारे भैया कहाँ से हो गए? आई बड़ी। सुन बे चूतिए, बाप मेरा जब गया था ना तेरे घर, तब तू इस दुनिया में आया था साले। अभी उठ इससे पहले कि एक और चपेट मारू देखो। हाँ खड़े रहे उधर कोने में। कहते हैं कि लड़कियों के पास या तो ब्रेन होता है या फिर ब्यूटी, लेकिन काव्या ब्यूटी विद ब्रेन थी। ये मोहतरमा अपनी खूबसूरती और दिमाग दोनों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानती थी। हाँ वैसे ये चारों जैसे भी थे, अपने दिलों के राजा थे। और हाँ एक और था, इन सब के दिलों का शहजादा। कितने साज दुनिया के मंजर है अब ये खास, आंखों में बिठा के भूल चला मैं अपने राज, सुन के भी ना सुनियो बेपरवाह दिल की फरियाद। मैं डूबा तेरे नूर में, स्लो मोशन में रंगों से राग में, स्लो मोशन में सुरों से साज में, स्लो मोशन में है कोई जाने जा, क्या खुशी है क्यों पहचानू ना, हो दूर लोक से आई है साथ तरंगे लाई है, सतरंगी सपने मैं बुन गया। मैं डूबा तेरे नूर में, स्लो मोशन में रंगों से राग में, स्लो मोशन में सुरों से साज में, स्लो मोशन में कहूँ रोमानी है समा, कैसी ये मदहोशी जानू ना, ओ रूह की परछाई है मौज भी भर आई है, सजदे में तेरे ही झुका। मैं डूबा तेरे नूर में, स्लो मोशन में रंगों से राग में, स्लो मोशन में स्लो मोशन में ट्यूबलाइट सी दुनिया, समझे क्या मेरे जज्बा, देख संग सजनी को
उड़े कबूतर दिलो दिमाग सुन के भी ना सुनियो रंगरेज दिल की फरियाद मैं डूबा तेरे नूर में स्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में सुरों से साज में स्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में सुरों से साज में स्लो मोशन में ओए कैंटीन के गजनी ये पकड़ लो आपकी बातों में तो टाइम का पता ही नहीं चला आप भी ना चलिए आप पार्टी में चलते हैं और उन पांचों से भी मुलाकात हो जाएगी आइए जब से चैनल ज्वाइन किया ना यार तब से वाट लग रखी है यार इससे अच्छा कोई सरकारी नौकरी कर लेता अबे पागल हो गया क्या सरकारी नौकरी करेगा ना तो तेरे सोशल लाइफ की चैक लग जाएगी आई नो यार एक आइडिया देता हूँ तू ना फेसबुक पे आ जा तुझे पता है हमारे कॉलेज के ना झाड़ू वाली से लेके प्रिंसिपल तक सब हैं क्या बकवास है मैं नहीं मानता अभी भी केले में खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग हैं है ना चीरू साले गांव वाले कैसा है तू जय अब ये गांव वाला ना रो अब तो ये शहर आ गो और मैंने तो ये भी सुना है किसने शादी कर लो हमारी शादी हो गई है नाउ आई एम अ मैरिड मैन कांग्रेचुलेशंस यार इस पे तो पार्टी बनती है अरे बकरा क्या कभी हलाल होने की पार्टी देता है क्या अरे चीरू सुन यार मैं एक बात सोच रहा था कि शादी के बाद सुहागरात के टाइम आप अपनी बीवी से बातचीत कैसे शुरू करते हो अजी सुनती हो अब असली काम करें या कोई और तरीका कुछ शादी कर लो अपने आप पता लग जाएगा कि बात कौन करता है चीत कौन करता है अरे यार लीव वो देख गोलू की एक्स देख गोलू देख ये एक्स के साथ वाई कौन है कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है अरे वो मंगू है ना हाँ वही तो है वही मंगू ये वही है ना जो कॉलेज के टाइम पे बड़ा राइटर बना फिरता था साले कितनी लेते थे तुम लोग इसकी देश के मंगू मेरे भाई अगर लाइफ में कुछ बड़ा बनना है ना तो कुछ ऐसा लिख भाई जिसे पूरी दुनिया पढ़े क्यों ऐसा क्या लिखूं ये ले रेफरेंस के लिए तेरे लिए दो किताबें लाया हूं इसे पढ़ेगा ना तो तू रातों रात स्टार बन जाएगा उधर देख साले स्टार बन जाएगा क्यों भाई ऐसा क्या लिखा है इस किताब में इसे कहते हैं भाभियों की भाभी सविता भाभी एक बार तो ऐसी कहानी बनती है क्या यार एक बार देख तो सही इस हॉट बनती है हां हां बहुत 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 देखना प्लीज बना हां शादी कर ले शादी कर ले हां जा तो तू कर ले शादी हट ये राइटर वाइटर बना के नहीं अरे बन गया है और कोई फिल्म भी लिख रहा है किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए हां अच्छा मंगेश ओ मंगेश जय ये भी अपना गांव वाला हो इसको अभी इतनी तमीज की आदत ना है इसको तो ऐसे बुलाना पड़ो है मंगो ओ मंगो इधर आ मंगो एक्सक्यूज मी अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात आ, है आइए मंगेश मिया यहाँ तो कमीनों की बारात भी आई हुई है कमीनों की बारात तो यही है कमी तो सिर्फ दूल्हे की थी वो तूने पूरी कर दी अरे बाबा इतना सीरियस मत हो वैसे चीरू हमें बता रहा था कि तू कोई फिल्म लिख रहा है हाँ सही सुना तुम लोगों ने आप लोगों की मोहब्बत और माँ के आशीर्वाद से मैं रॉक एंड रोला फिल्म्स के लिए एक फिल्म लिख रहा हूँ अच्छा तेरी फिल्म की स्टोरी क्या है मतलब नाम वाम सोचा कुछ या हाँ है ना एक्चुअली मेरी जो ये फिल्म है ना ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है तो अभी तक जो मैंने इसका नाम सोचा है वो है ट्रिप टू भानगढ़ भानगढ़ क्या भानगढ़ अबे तेरे गांव के आसपास है क्या कोई ये जगह अबे ओ मोटे भानगढ़ नहीं पता भानगढ़ भानगढ़ नहीं यार कैसे इंडियंस हो तुम लोग तुम्हें अपने देश की इतनी फेमस जगह के बारे में पता ही नहीं
ऐसा क्या है यार फेमस भानगढ़ में जो हम नहीं जानते? चलो हम बताते। भानगढ़ राजस्थान में एक किला है एंड इट इज सपोज टू बी द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया। हॉन्टेड? यस, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। भूतों का डेरा है यहां पर। और इतना ही नहीं, इसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि कोई वहां दिन में जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई वहां रात में रुक जाए तो जिंदा वापस नहीं आता। What? अरे भाई तू हमारे गोलू को क्यों डरा रहा है? अरे ऐसी भी कोई जगह होती है क्या? हाँ, बकवास। मंगू तू कहीं बाल गोपाल वर्मा की फिल्म तो नहीं देख के आया जो ऐसी बात कर रहा है? मालूम था मुझे, मुझे मालूम था तुम कमीनों को कभी मेरी बात पे यकीन आएगा नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोग अपने गूगल देवता से पूछो भानगढ़ सच है या झूठ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओ भाई फेसबुक की दुकान देखियो, ये भानगढ़ क्या है? देख, चेक करते हैं, अभी पता लग जाएगा क्या है। लेट्स सर्च फॉर भानगढ़। भानगढ़, भानगढ़ गूगल। क्या यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोल साजे दरबार की। तुम भी? अरे वो देख नहीं रही हो, मंगू जी अपनी लिखी हुई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। ओए मंगू, तू ना अपनी स्टोरी अपने पास रख, जब तेरी मूवी बनेगी तब हम देख लेंगे। लेट्स पार्टी गाइस। ओके गाइस, चलो फिर यार। हाँ हाँ, अब तो जय जी जाएंगी, क्योंकि जय अगर शेर है तो प्राची शेरावाली सदा ही। जय, चलो लेट्स गो गाइस। चलो चलो यार, चिरू आ भाई। हैं, तू नहीं आ रहा है? नहीं है, मैं मंगेश से बहुत दिनों बाद मिला हूँ तो मैं इसी के साथ रहूंगा, और मुझे भानगढ़ में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो सुन के आता हूँ। ठीक है, चल चल, चल आ जाना। बाय। तुम लोग चलो, वी बोथ जॉइन यू। और भाई कैसा है सुना? मैं एकदम मस्त। तेरे को आज तक समझ में आया कि इनका प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं। लेना और बता। मम्मी से झूठ बोल के थोड़ा सा कुफर तौल के
मम्मी से झूठ बोल के थोड़ा सा कफर तोल के गड्डी का गेट खोल के।